अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल रखे। आज हम बनाने लगे हैं चॉकलेट केक। सिंपल बिल्कुल ये कुकर में बनाएंगे। इसके अंदर मैंने एक कप मैदा डाला है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हम आपको बताएंगे। दो अंडे हैं मेरे पास और दो टेबल स्पून जो है वो कोको पाउडर है। हम पाकिस्तान में आ चुके हैं तो आपको पैकिंग से पता चल जाएगा। और दो टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे। ये वाला एक गिलास मैंने जो है मैदे का लिया है, तो इसके अंदर हम ये हाफ जो है ये ऑयल डालेंगे। और ये तकरीबन पौना कप जो है ये दूध का डालेंगे। अब हम इसके अंदर कोको पाउडर डालेंगे दो टेबल स्पून भर के। इसके अंदर ही हम मिक्स कर लेंगे पाउडर। ऐसे और दो टीस्पून जो है ये हम इसमें ऐसे करके बेकिंग पाउडर डालेंगे। आप क्यों हंस रहे हो? मैं आपको लतीफे सुना रही हूँ। और इसके अंदर हाफ कप चीनी जाएगी। इसको हम छान लेंगे तो अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये ऐसे बना के आप पैकेट में एयरटाइट डब्बे में डाल के भी रख सकते हैं। निकालें और फिर फटाफट केक अंडा और ऑयल और दूध मिक्स करें और उसके अंदर अब ये डाल लें। अब हम इसके अंदर इसी के अंदर अब चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अलग से इसको बीट करूँगी। फ्रिज से निकले हुए अंडे हैं, फ्रिज से निकाल के मैंने रख दिए थे। इसको हम बीट कर लेंगे। इसके अंदर अब हम डालेंगे यही वाला जो कप मैंने बताया वो पौना कप दूध है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये थोड़ा सा हमने इसको नीम गरम किया है। ऑयल, ये चीनी है, इसको मैंने ये देखें ये इसको पीस के बारीक कर लिए। ये हम इसमें डालेंगे। और अब ये हम इसके अंदर ये देखें इसके अंदर कोई भी अब लम्स नहीं है। हमने डिसाइड ये किया कि हम इस बैटर को पैनकेक की तरह यूज करेंगे। थोड़ा ऑयल डालेंगे इसमें क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बेताब हैं खाने के लिए, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको कुकर में या फिर अब हम इसको डालेंगे इसमें। और इसको हम हल्की आंच पे थोड़ी सी हम इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये दम लगा देंगे तो ये इंशाल्लाह बड़ा अच्छा पक जाएगा। एक हमने पहले बना लिया, ये देखें मैं इसको इसमें मैंने डाल दिए। ये इसको मैंने देखें बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है और उतनी देर में ये एक मैंने बनाया है। इसका हम रिव्यू लेते हैं। ये हैं हमारे तौफीक साहब, ये बताएंगे कि इनकी पुप्पो ने केक कैसे बनाया। बताओ तौफीक। वैसे तो टेस्ट बनाया है। हाँ खाओ तो सही, पहले पहले ये खा चुका है। वैसे थोड़ा सा ज्यादा खा के बताओ। मजे था। मजे का है, बनाना चाहिए लोगों को। तो फिर मेरे चैनल को क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको तौफीक खाओ आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो टाइम पे मिले। और ये अब हमें अरीशा बताएंगी कि ये केक कैसा है। अरीशा बताओ खा के।
म्यूजिक है, बनाना चाहिए लोगों को। फिर क्या करना चाहिए चैनल को? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो टाइम पे मिले। और ये आज मैंने केक बनाया आपके साथ, देखिए मैंने फोर्क के साथ उसको मिक्स किया है, ओवन नहीं है, चूल्हे के ऊपर हमने उसको फ्राई पैन में बनाया है। तो कोई भी आपके पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों को घर में बना के नहीं दे सकते। ये भी हमने ढक्कन इसका उतार दिया है, थोड़ी देर इसको हम रखेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे और फिर ये इंशाल्लाह बन जाएगा। ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। पैनकेक तो जैसे बनता है बिल्कुल वही रेसिपी इसकी मैंने बनाई है, पैनकेक की थोड़ी सी रेसिपी चेंज होती है। इसकी रेसिपी मैंने जो है, ये केक आप ऐसे ही बिल्कुल बना के आप इसको उसमें सांचे में डाल के तो बेक कर सकते हैं, और इसको आप कुकर में 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। कुकर को सीटी लगाए बगैर बंद कर दें और उसके अंदर प्याला रख के अपना जो भी सांचा है उसको तो आप उसको बना दें। तो ये वाला बनता है, तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने मोटी लेयर लगाई है तो मैं इसकी भी फाइनल लुक आपको दिखाऊँ। ये मेरे पास यहाँ पे गैलेक्सी की स्मूथ मिल्क चॉकलेट है, बिल्कुल ये अंदर से बगैर किसी नट वगैरह के है। इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने ये फ्राई पैन में बैटर डाला है, इसके अंदर ऐसे डाल दूंगी और इसको हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ये तकरीबन 10 मिनट में बन जाएगा। ये हमारा बन गया जो पहले डाला था, तो ये अब बन जाएगा। तो ये इसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट की अलग से उसका बाइट में आएगा तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप मुझे दें इजाज़त, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।